ये आखिरी दिन है जब हम सारे एक साथ हैं। ये आखिरी दिन है स्कूल का। ये ही जगहें जो इस स्क्रीन पर अभी हैं, इन्हीं में हम बड़े हो गए हैं। इन्हीं में हम इस नन्हे बच्चे से आज इतने बड़े हो गए कि यहाँ से अब बढ़कर दुनिया में जाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सब तो मुकम्मल कर नहीं पाऊँगा। ये स्कूल जगह ही ऐसी है, यादें ही इतनी बन गई अब सबकी, कैमरे में कैद क्या क्या करूँ और कैसे, ये मुश्किल ही कुछ ऐसी है। सो यारों, ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारे स्कूल के लिए। फ्रॉम द बैच ऑफ 2019-2020 वी प्रेजेंट टू यू द फेयरवेल वॉक। मेरे ख्वाबों की पतंग कभी ना कभी सन्नाटे के साए में कट जाएगी। जिस जगह पर ख्वाबों को सजाया था उस जगह की बहुत याद आएगी। नन्हे से कांपते से कदम मेरे आप पहुंचे हैं इस दहलीज पर। मैं तो मगर अनजान था, बस घर जाने को था बेसब्र। आंखों से आंसू बेलगाम टपके माँ के पास जाने की पुकार लगाता रहा। बस कुछ घंटों की तो बात है, अपने दिल को समझाता रहा। जादू सा था कुछ उन क्लासरूम्स में, सरकार इतनी जल्दी नहीं बनती थी जितनी जल्दी दोस्त बन जाते थे। खूब हंसी मजाक चलता था जब मैं और मेरे दोस्त मिल जाते थे। मेरी टीचर्स कुछ ऐसी जिनके दिल में सारे बच्चे रहते हैं। उस दिन जाकर मेरे समझ में आया स्कूल को सेकंड होम क्यों कहते हैं। उन स्टेयर्स पर खड़े ना होंगे अब, फिर आंटी किसे भगाएंगी। जिस जगह ने मुझे इंसान बनाया उस जगह की बहुत याद आएगी। गेम्स पीरियड की बेल बजती तो झूम सारे जाते थे, फटाक से ग्राउंड में पहुंच तो गए मगर वापस धीरे धीरे आते थे। किसी एक बकरे को पूरा ग्रुप हलाल करता था, खाते पीते सब थे मगर बिल वो बेचारा भरता था। हम रोकते बहुत थे खुद को मगर पेट के चूहे बहुत चिल्लाते थे। लंच ब्रेक तो बस नाम का ही होता था, टिफिन तो उससे बहुत पहले खुल जाते थे। अब धीरे धीरे मेरी ख्यालों की पोटली भर जाएगी। जिस जगह ने मुझे जीना सिखाया था उस जगह की मुझे याद बहुत आएगी। वो सबसे पीरियड्स क्या खूब होते थे, उसमें तो नई नई प्रथाएं चलाई। आज भी बताना बहुत मुश्किल होता है कौन राजा कौन मंत्री कौन चोर और कौन सिपाही। यहाँ अमीर गरीब लड़का लड़की कुछ नहीं होता था, बच्चों का बनाया एक ओरिजिनल कास्ट सिस्टम होता था। फ्रंट बेंचर्स तो घर से मन बना के आते थे, सारी किताबें पढ़ लेते और बस पेन से लिखते ही जाते थे। बैक बेंचर्स तो क्लास में अपनी ही चलाते थे, ना खुद पढ़ेंगे ना किसी को पढ़ने देंगे, ये कफन बांध कर आते थे। पर ये दोनों राष्ट्र भी एकजुट हो जाते थे जब मैडम क्लास में आती और हम गुड मॉर्निंग मैम गाते थे। लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं और ये कागज भी नम है। ये 14 साल कैसे बिताए, हाँ कहने के लिए शब्द भी कम है। ये बातें ये लम्हे अब वापस नहीं आएंगे, तकलीफ बहुत अब होगी जब दुनिया से लड़ने जाएंगे। आंसुओं की कतारें खूब बहेंगी जब वही कांपते से कदम मेरे इस दहलीज को पार करेंगे एक आखिरी बार। मेरी जिंदगी का डायरेक्टर, मेरी पिक्चर का एक्टर, मेरी शिप का एंकर, मेरे सपनों का डॉक्टर, ये विकास भारती स्कूल मुझे रुलाएगा बहुत बार। टूटे पत्थरों से मुझे एक ऊंची इमारत बनाया है इसने, मेरी रूह हर दम यहीं पर समाएगी। जिस जगह ने मुझे काबिल बनाया है उस जगह की याद बहुत आएगी। हर पल मेरे साथ चलती जाएगी, जिस जगह ने मुझे काबिल बनाया उस जगह की याद बहुत आएगी।